दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले महीने आपको बताया था, पीडब्ल्यूडी विभाग में वैकेंसी आने वाली है, तो इसकी डिटेल्स लेके आया हूँ। पीडब्ल्यूडी रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको बताया था ये वैकेंसी निकलने वाली है सीपीडब्ल्यूडी यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में। ये वैकेंसी हर एक साल के भीतर निकाली जाती है। अभी वापस से 2024 के एंड में ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, फिलिंग पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंटेंट और सुपरवाइजर पद के लिए 7 नवंबर से आपकी यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। यानी कि जो वैकेंसी है, अक्टूबर महीने में स्टार्ट इसके फॉर्म हो जाएंगे 6-7 तारीख के आसपास। इसके अलावा 4501 वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है। ये आप देख लीजिए, डेट्स यहाँ पे मेंशन की गई है। तो यहाँ पे 10 अक्टूबर से इसके फॉर्म चलेंगे, जो कि 7 नवंबर तक यहां पे रहेंगे इसके फॉर्म। यहां पे 10 से लेकर 7 तक आप आवेदन कर सकते हो। फिलहाल मैं बकायदा आपको भर के भी बता दूंगा कैसे आप आवेदन कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जूनियर अकाउंटेंट सुपरवाइजर पोस्ट के लिए 4501 वैकेंसीज यहां पे 12th और ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वह महिला हो या पुरुष अभ्यर्थी हो, दोनों ही यहां पे आवेदन कर सकते हैं। 18 से 45 साल यहां पे आपकी एज होनी चाहिए। लिमिट्स इसमें ऐड है, 5 साल इसमें ऐड की गई है एससी एसटी के लिए, वहीं 3 साल ओबीसी के लिए। जनरल के लिए कुछ भी ऐड नहीं है, यानी कि एक तरीके से 40 साल इसके मैक्सिमम एज है, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हो कैसे क्या रहेगा। एकेडमिक मार्क्स आपके ऐड होंगे, साथ ही साथ बीपीएल फैमिली से आप रिलेटेड हो तो वहाँ पे आपके मार्क्स ऐड किए जाएंगे। तो ऐसा करके यहाँ पे ये सीधी डायरेक्ट भर्ती होने वाली है। साथ ही साथ पूरी डिटेल्स इसमें नीचे मेंशन की गई है। स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे देखते हुए जाइए, 25,000 यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलने वाली है 18 से 40 साल के बीच में। अगर आप आते हो पीडब्ल्यूडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप भर सकते हो। ऐसा फॉर्म आएगा, वहाँ पर भी चेक कर लेना। 7 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। धन्यवाद।